गांजा एक ऐसी चीज थी जो आयुर्वेदा में बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी। ट्यूबरकुलोसिस का इलाज, टीबी का इलाज है, आयुर्वेदा के अंदर बहुत लिखा हुआ है कि कैसे कर। उसका मेन कंपोनेंट गांजा है। नौजिया, लेबर, सोरोइसिस, लिप्रोसी तक के बारे में आपके अथर्वेदा में लिखा गया है, और लिप्रोसी का एक ही इलाज है, वो है गांजा। मैं एक रिसर्चर हूँ, शोधकर्ता हूँ, मैं गांजा शोधकर्ता हूँ। हम आज का जो सेशन है मेनली कैनबिस इन इंडिया के बारे में बात करेंगे कि कैनबिस इन इंडिया कितना इम्पोर्टेंट था। 1895 से एक ब्रिटिश हेम्प कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी 3000+ पेजेस की। ये वो शुरुआत थी जब हमारे गांजा, आयुर्वेदा और यहाँ तक कि कल्चर पे ठप्पा लगा दे ताकि बंद कर दे उसे, वहाँ से उन्होंने वो रिपोर्ट चालू की। आपके जितने भी एंशियंट रिलीजन्स हैं, चाहे वो ताओज़म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, इस्लाम में जहाँ की आपकी यूनानी मेडिसिन है, वहाँ तक में गांजे का प्रयोग लिखा गया। लोग भूल जाते हैं सिखिज्म में, जो यहाँ पे कोई निहंग्स को जानते हैं, निहंग निहंग में एक रेसिपी बनाई जाती है सूखा, जिसे बोलते हैं। अगर आप कभी जाएंगे, सूखा होता क्या है? भांग होती है आपकी लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद, ताकि आपका मानसिक संतुलन ना खोए जिस हिसाब की आपको लड़ाई करनी थी वो टाइम पे, ताकि आपकी बॉडी ऑलरेडी आपके पास इतनी ताकत हो कि आप सामने वाले से लड़ भी सकें और आप दिमागी तौर पे सही डिसीजन भी ले सकें, रैश ना हो जाएं कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है मैं आग फोड़ दूंगा। नहीं, रूल्स होते हैं वो टाइम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा रूल्स फॉलो करने वाले एंड ऐसी कम्युनिटी बोली जाती है सिक्स, डेफिनेटली वॉज क्रिएटेड, वॉज अ पार्ट ऑफ सनातन एज वेल टू सेफ गार्ड अस व्हेन वी सेड नो वी डोंट नीड द सेफ गार्डिंग। तो उन्होंने तो डिसिप्लिन और लॉ बहुत अच्छे से फॉलो कर रखे हैं, तो उनके तक में ऐसा बोला गया है कि भाई आप फाइट से पहले पी लेते हैं और फाइट के बाद, ताकि आपका जो जो आपको रिजुविनेट होना हो आप उसके बाद हो जाएं। तो जब आप बात करें कि हमारे सनातन धर्म में, आपके इस्लाम में, जुडिज्म में, सिखिज्म में, ताओइज्म में, बुद्धिज्म में एंड मॉडर्न रिलीजन, जो मॉडर्न कल्चर है, एथिस्ट जो बिलीव करते हैं साइंस में, जब सब बोल रहे हैं कि गांजे को लीगल कर देना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? 2.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड आई वुड लाइक टू कोट मिसेज मेनका गांधी ओवर हियर, शी टुक अ स्टेप और उन्होंने बोला कि गांजा मेडिसिनली एंड इंडस्ट्रियली एक बून है पूरी दुनिया के लिए और इसे उसी के लिए यूज करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, दुनिया बोलती है कि पहला कपड़ा और पहला पेपर गांजे से बना था। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो 20 साल पहले पढ़े थे उनको पता है, लेकिन ऐसा 20 साल में क्या हुआ कि पूरी दुनिया आज कैनबिस को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज 20 से ज्यादा लीगल करके बैठी हैं। कनाडा ने तो रिक्रिएशनल लीगल कर दिया, जो कि इंडिया में सदैव ऐसी चीज थी, उसको कभी नीची तौर से देखा नहीं गया था। ये रिपोर्ट भी बनी थी कैनबिस हेल्थ कमीशन, हेम्प हेल्थ कमीशन रिपोर्ट। हेम्प का पेपर, हेम्प का कपड़ा बहुत कॉमन है वहाँ पे, यहाँ तक कि लोग चारे में भी उसका जो स्टॉक होता है वो खिलाते हैं अपने जानवरों को जान के। ये उन्होंने पढ़ा नहीं है कहीं, उनके पास इंटरनेट नहीं है, ये जान के कि उनके पूर्वज बोलते थे कि इनको याक को या किसी को थोड़ा ज़्यादा ये फाइबर हेम्प का ये खिला दो, चरा दो, तो दूध ज़्यादा देगी, बीमार कम पड़ेगी। जब अमृत मंथन हुआ था, कैनबिस का जो विवरण है कहाँ से आया है, शिव पुराण जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि ऐसा लिखा भी गया है कि इंसानों ने भी मांगा था कि हमें भी तो अमृत दो, हमारी धरती तुमने खोद ली, तुमने हमारी धरती पे जाके चर्निंग ऑफ द ओशन कर ली और हमारा नेक्टर भी लेके चले गए। तब बोला गया वहां पे कि नहीं, ये तो नेक्टर ऐसा है कि आप भी नहीं ले पाएंगे, हम वापस आएंगे आपको सर्व करने के लिए। वो एक है जो लास्ट ड्रॉप नेक्टर की ऐसा बोला जाता है, उससे कैनबिस का जो प्लांट है वो आया था, लेकिन हमने उगाना बंद ही कर दिया है। काफी सारी बीमारियों में भी ये चीज लगती है, तो अगर इसमें इस चीज में सोने से ज्यादा वैल्यू है तो आप उसको बैन कर देंगे कि आप उसको फिर से शुरू करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ 100 बीमारियां हैं ऐसी जिनका ऑब्वियसली 30-35 किस्म के कैंसर, लिप्रोसी, टीबी की तो मैं खुद पेशेंट थी, एचआईवी, सोरोइसिस, आपके जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, उस तक का इलाज 100% तरीके से। थैंकफुली काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, खाली इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी आप बोल सकते हैं, ज़्यादातर तो फॉरेन कंट्रीज ही हैं जहाँ पे ये चल रहा है, जो आगे आ रहे हैं और ये प्लांट को उसकी ग्लोरी जैसे बोलते हैं उसको वापस दे रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ऋषि मुनि कितने एडवांस थे कि उन्होंने एक ऐसे प्लांट को चुना विजय बोलने के लिए, जो आज की तारीख में मेडिकली तो आपका इलाज करेगा ही,
इंडस्ट्रियली आपको पेपर देगा, प्लास्टिक देगा, कपड़ा मैंने बोला ही, आपको साथ में मेटल देगा, बायोफ्यूल देगा, आपको 50,000 तरीके के और भी प्रोडक्ट्स देगा, आप बना सकते हैं। पोर्शे, आप लोगों ने सुना होगा ब्रांड पोर्श की गाड़ियां आती हैं। जनवरी 2019 में पोर्श ने गांजे से बनी हुई गाड़ी लॉन्च कर दी। सन 1940 में फोर्ड ने की थी, लेकिन हमको देखो, जिस भगवान को हम चढ़ाते हैं उसको हमने बैन करके रखा है। आज की तारीख में कैनबिस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ना कि इकोनॉमिकली फेवरेबल है, बट इन्वायरमेंटली दिस इज द ओनली आंसर। गांजे की जो खेती होती है वो 4 महीने में पहली बात तो उग जाती है। ये हो भी रहा है और इससे लोगों की बेइज्जती भी हो रही है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से मेडिसिन के तौर पे लेके जाते हैं, घर पे रेसिपीज़ बना रहे होते हैं और ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? मैंने खुद अपने आप को घर पे बैठ के ट्रीट किया था, यहाँ तक कि मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर को नहीं पता था कि ये ट्यूबरकुलोसिस ठीक कर सकता है। वो मुझे बोल रही है कि मैम आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आई? हम क्योंकि हमारी तो आदत है कि हम सुन लेते हैं कि नहीं ये बैन कर देना चाहिए। 1965 तक इंडिया ने लड़ाई लड़ी कि गांजा बैन नहीं होने देंगे हम। 1965 में कोई आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बहुत ख़राब हो जाएगा, जितने भी गरीब लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे, क्योंकि तब तक US में रेवोल्यूशन चालू हो गया। 1965 में US में और जर्मनी में इसके बारे में बात हो रही थी, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर टू में US ने ज़बरदस्ती लोगों से खेती करवाई थी गांजे की, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हेम्प के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, आप में से लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो काफ़ी पता होगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। तो US ने बोला कि हमें पहली बात इससे कपड़ा भी निकल रहा है, हमें लोगों को खिला भी सकते हैं, और उनको ऑब्वियस सी बात है दवाइयों के लिए भी यूज़ करना था, तो उन्होंने वो भी उनको साथ साथ दिया। लेकिन जिसकी ये भूमि बोली जाती है, जिसके स्क्रिप्चर्स में इसका नाम शुरू से लिखा गया है, वहाँ पे आज तक मुझे ये बोलने में कि मैं गांजा शोध करता हूँ शर्म आ जाती है। क्यों? मेरी तो जान बचाई है गांजे ने। अगर गांजा ना होता तो मैं तो गले से बात भी ना कर पाती। मेरे डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था, मैडम आपके पास स्टेज 3 ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ था, या तो आपके पास है 6 से 9 महीने कुछ, या फिर आप जाइए सर्जरी करवा लीजिए जिसमें आपकी 50% आवाज़ चली जाएगी। आपको लगता है मेरे जैसा इंसान 50% आवाज़ के बिना जी पाता? 50% चांसेस है कि 50% आवाज़ जाएगी, चांसेस ये भी हैं कि पूरी भी जा सकती है, क्योंकि वो आपका जो वॉइस कॉर्ड है ना उसके बहुत बगल में है, तो मतलब तो वैसे आप जी लीजिए। एंड दैट इज़ द टाइम जब ही मैंने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं, देखी जाएगी, शिव जी की कृपा, शिव जी के भक्त तो है, शिव जी की कृपा रही तो जी लेंगे, नहीं हुई तो नहीं जिए। एंड दैट इज़ द टाइम एक इलीगल इंसान, मैं बोलना चाहूँगी ना, जो भी स्मोकिंग या कैनबिस से रिलेटेड होता है उसको इलीगल बोला जाता है, उस इंसान ने मुझे बोला देखो आप मर तो वैसे भी रहे हो, थोड़ा शांति से मर लो, क्योंकि मैंने 3 दिन से मैं सोई नहीं थी, मैं गर्दन घुमा नहीं पाई थी 1.5 महीने से। आप समझ सकते हैं कि 1.5 महीने से जो इंसान गर्दन ना घुमा पाए उसका क्या हाल होगा। खाना तो जा रहा था किसी तरह, लेकिन 2100 mg की दवाइयाँ जा रही थी, टीबी की जो डॉट्स की होती है वो वजन के हिसाब से होती है, 2100 mg हर डोज दे के रखा था। आज की तारीख में आप विदेश जाएंगे, वहाँ पे जितने भी आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं वो सब ये बोल के कि मेडिसिनल कैनबिस वर्ल्ड रिलीजन्स में है और हमें एज अ कल्चरली एक्सेप्टेड चीज़ है। वो जो बोहो कम्युनिटी होती है या स्पिरिचुअल कम्युनिटी होती है उनमें हम आगे बढ़ाएंगे और बिजनेस चालू करेंगे। इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे ऐसी 100 से 150 कंपनियाँ हैं जिनका बिजनेस बिलियंस में चल रहा है लीगली और स्टॉक एक्सचेंज में है, तो आपको कैसा लगेगा? बिलियंस, आप समझ सकते हैं कि खरबों की बात हो रही है यहाँ पे, और 100 कंपनियाँ हैं ऐसी, 1-2 कंपनी नहीं है, 100 कंपनियाँ लीगली लोगों की मदद कर रही हैं। वेटरन्स जो कि आर्मी के लोग होते हैं, उनको स्ट्रेस जिनको हो जाता है, PTSD बोला जाता है, उनको कैनबिस दिया जाता है। टिटनेस जैसी चीज़ का इलाज आयुर्वेदा में लिखा था गांजे से, लेकिन उसके बारे में किसी ने हाईलाइट नहीं किया। सन 1970 तक किसी को नहीं पता था। ये जो आप देख रहे हैं ये है हेम्प का जो स्टॉक होता है, उसका तना जो होता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा बोला जाता है गांजा ही एक ऐसा प्लांट है जिसको सिद्ध मूली है,
मतलब उसकी रूट से लेके उसकी सीड वापस तक वो सिद्धि है। रूट से आपकी बीमारियों का इलाज होता है, आपके स्टॉक से बीमारियों का इलाज होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसी तरह आपके फाइबर से कपड़े बनते हैं। एंड ये मैं बार बार कपड़ा बोल रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आपको वो फाइल भेजी जाए, वो फाइल आप सब देखेंगे। वो कपड़ा एंटी बैक्टीरियल होता है। आज की तारीख में स्किन, ब्रेस्ट कैंसर, वजाइनल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का जो मेन रीज़न होता है रॉन्ग क्लोदिंग होती है, खराब कपड़े होते हैं, क्योंकि आपका पसीना जो टॉक्सिटी है वो निकल ही नहीं पाता है। तो यू कैनेडा ने अगेन पेटेंट की है कैंसर प्रिवेंटिव लॉन्ड्री यानी अंडरगार्मेंट्स। तो आपके कैंसर को उससे बचाएगी, आपको कैंसर होने ही नहीं देगी, कैंसर की बात की नहीं, कैंसर बचाएगी। एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ 100% हेम्प। तो अब आप बताइए कि ऐसी चीज़ जो आपको सिर्फ और सिर्फ देती जा रही है भगवान की तरह, आप उससे बैठेंगे रूट के कि हमें भगवान को बैन कर देना चाहिए, सारे मंदिरों को तोड़े, या फिर हम ये देखें कि किसकी प्रैक्टिस को क्या खराब लग रहा है, उससे क्या खराब रिजल्ट्स निकल रहे हैं। आज की तारीख में जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो रहे, लेकिन पिछले का जो ज्ञान है हमारा उसको भुला के आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, और कोई आगे पहुंच भी नहीं पाएगा, जैसे कि ज्यादातर लोग जानते हैं। गांजा जस्ट लाइक एनी अदर प्लांट, आपको मैंने बोला था सीड्स और उसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें दो तरह की वैरायटी होती है, मैं बताना चाहूंगी, जो कि अगेन आयुर्वेदा में बहुत क्लियरली लिखा गया था कि इसकी दो वेरिएंट्स होते हैं, एक जिसमें फूल निकलता है, दूसरा जिसमें फूल नहीं निकलता है। जिसमें फूल निकलता है उसी में खाली एक वो THC चीज है जो साइको एक्टिव चीज करती है, ये अनंदामाइड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। आई एम प्रीटी श्योर लोगों के कान खड़े होंगे कि अनंदामाइड तो अनंदामयी से साउंड करता है, भैया इजरायली साइंटिस्ट ने अनंदामयी से ही अनंदामाइड निकाल के बोला कि ये इन्होंने आयुर्वेदा में लिखा है, हमको ये सेम चीज़ आगे करनी है। इस प्लांट की याद रखिएगा, जिस चीज़ को बोला जाता है कि आपको वो दूसरी दुनिया के बारे में बता दे, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको तोड़ना है, आपको अंदरूनी तोड़ना है, तो बच्चे को माँ का पहला दूध मत पिलाओ, वो तो वैसे भी शुरू से कमज़ोर रहेगा, तो उसका कैनबिस ले लो। पहले के ज़माने में जब तक बैन नहीं हुआ था, हमारे लोग बहुत हष्ट पुष्ट थे, चौड़े तगड़े थे, जैसे आजकल अफगानिस्तानी होते हैं। अफगानियों को अगर आप देखेंगे, उनके आज तक वो मेंटेन्ड है, जो लुक्स है, ब्रॉडनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, दैट इज बिकॉज, एंड प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स अ फैक्ट, आप जाएंगे उनको पता चलेगा, वो चना उतना नहीं फाँकते जितना वो गांजे के सीड्स फाँकते हैं। वो सीड्स को भूनते हैं और उनके सीड्स भी इतने बड़े बड़े होते हैं। जब वो इंसान हर रोज ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और बाकी प्रोटीन्स लिए जा रहा है, वो ऑब्वियस ही बात है नेचुरल सप्लीमेंट से ले रहा है और ड्रॉप्स और सिंथेटिक ड्रॉप्स नहीं ले रहा है, तो वो आगे उसी तरह होगा दिमागी तौर पे। आप जानते होंगे कि ऐसे काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स हैं, चाहे वो टेरेंस मकेना हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, पर्सनालिटीज, बिग पर्सनालिटीज इंटरनेशनल, कार्ल सैगन, ही आई एम श्योर आप काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, द बिगेस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ही टू सेड कैनबिस इज नॉट टू बी बैंड। कोई तो रीज़न होगा इस चीज़ के लिए कि हमारे धर्म में इसकी खाली गुणगान गाए जाते हैं। आज मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि जो हमारे धर्म में इसके गुणगान गाए जाते हैं वो इसलिए गाए जाते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही थी, इसके करंट मेडिकल एप्लीकेशंस में कैंसर 20-35 काइंड्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, डायबिटीज़, लिबिडो, एजिंग, कार्डियोवैस्कुलर, लंग डिजीजेस, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रोक से, हार्ट डिजीजेस से जिनकी मृत्यु हो जाती है, ब्लॉकेज होता है दिल में, वो ब्लॉकेज को निकालने के लिए हेम्प ऑयल बहुत काम आता है और विदेशों में नॉनस्टॉप यूज़ करवाया जाता है लोगों से जिनके में ब्लॉकेज है, ताकि उनको बाईपास सर्जरी या कोई ऑपरेशन ना करवाना पड़े। इंडिया की जरा बाईपास सर्जरी के नंबर्स आप लोग घर पे जाके देख लीजिएगा कि कितने पैसे हम लोग दे रहे हैं एक ऐसी चीज़ होने के बावजूद जो हम घर पे उगा सकते हैं। गायनेक इश्यूज़, ऐसा बोला जाता है जब लेबर पेन होता था और आयुर्वेदा में ये चीज़ लिखी है, तब औरतों को गांजा दिया जाता था, वो दर्द को आराम देने के लिए, खाली खाने के लिए नहीं, अप्लाई भी किया जाता था उनकी स्किन पे ताकि इजीली बर्दिंग हो जाए। वो टाइम पे भी उनको पता था कि आपका एप्लीकेशन प्लस ओरल मेथड काम आता है। देखिए आयुर्वेदा कितना आगे था इस टाइम के लिए। फीवर, वूंड एंड पेन तो ऐसी चीज़ है जो कि सबको पता है इससे इलाज होता है। करेंटली जैसे मैंने आपको बताया, वुडन फर्नीचर्स जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रीज़न है हमारे फॉरेस्ट कटने का। आप वापस 10-10, 20-20 साल, 80-80 साल तक आप अपना वुड उगाते हो, आप जाके उसी से बना रहे हैं अपना घर और आपको लगता है कि वो वापस 80 साल में उग जाएगा, नहीं उगेगा क्योंकि वो जगह जा चुकी है। 4 महीने में उगाइए और इसका अगेन
पूरी दुनिया में, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज लीजिए, चाहे यूएस लीजिए, न्यूजीलैंड लीजिए, कहीं पे भी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक ने इसको लीगल कर दिया है। थाईलैंड, जहाँ पे सजाए मौत थी कैनबिस के लिए, इंडोनेशिया जहाँ सजाए मौत थी कैनबिस कंजम्पशन के लिए, आज की तारीख में उनका रेवेन्यू जनरेशन है कैनबिस से, मेडिकल कैनबिस और इंडस्ट्रियल हेम्प। मैं आपको बताना चाहूँगी, नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र है, जिसने अपनी इमेज को आज तक बना के रखा है, मेरे दादाजी नेपाली थे, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात के लिए कि नेपाल ने हेम्प मिनिस्ट्री तक बना दी और एक हेम्प मिनिस्टर भी रख दिया। उन्होंने बोला, इससे जब इतना पैसा आ रहा है 4 महीने के अंदर, हम क्यों जाने दें, और हमारे पहाड़ों को नहीं तोड़ रहा है ये, हमारे फॉरेस्ट को बचा दे रहा है, हमारे पास इतना लैंड है उस पर उगाओ आप, और हर जगह उगता है, हर मौसम में उगता है, बिना पानी के भी उगता है, पानी के साथ भी उगता है, आपका ये चाहे तो आपके डेजर्ट में भी उगता है और आपके रेन फॉरेस्ट में भी उगता है। ऐसा कोई और प्लांट अगर आपको कभी ज़िंदगी में मिल जाए तो आप हेम्पवती पे जाके ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि चारों मौसम में, चारों तरफ जो प्लांट ऐसा कोई उग जाए उसका नाम ये है, आप गलत थी इस बारे में, ऐसा कोई प्लांट नहीं है गांजे को छोड़ के। फूड एंड एग्रो इज़ समथिंग जो कि आज की तारीख में हमने बिजनेस बना दिया है फूड एंड एग्रो का, ये जान के भी यही एक रीज़न है कैंसर का सबसे ज़्यादा। अगर जैसे ग्लूटेन एलर्जी होती है लोगों को, इससे आटा भी बनता है, इससे तेल जैसे सोया तेल होता है वो मेन खाने में भी यूज़ किया जाता है, उससे आपको वो एलर्जीज नहीं होंगी और आपकी बीमारियां इन कंट्रोल आएंगी। ये तो था इन टर्म्स ऑफ आपका यू नो इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल प्रोसेसिंग। हमारे पास एंशियंट इंडस्ट्रियल यूज़ भी है इंडिया में। एंशियंट इंडस्ट्रियल यूज़ ये है हमारा इंडिया में कि आप सबने ये सुना होगा अजंता अलोरा केव्स के बारे में, बॉम्बे के पास अलीबाग की जगह पे है, उसे बोला जाता है छोटा कैलाश या फिर काला कैलाश। एक पत्थर से बना है, उसी तरह जैसे बोला जाता है कैलाश निकलेगा फिर कभी, उसी तरह उसको मेंटेन करने के लिए इतनी मोटी एक गांजे के ऑयल की लेयर है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट, आप जाके चेक कर सकते हैं, आप अपने फोन्स पे चेक कर सकते हैं। भैया जिसने 2,500 पहले, अभी एक्चुअल डेट्स बोली जाती हैं आजकल की नहीं, 1500 या 2000 साल पुराना होगा, लेकिन किसी को श्योरिटी नहीं और हमें पता है कि हमारी डेट्स के साथ कितना खेला गया है, तो जो चीज़ इतनी पुरानी है, उस इंसान को जिसको पता था एक्चुअल कैलाश कैसा दिखता है, उसने उस गांजे के रस को यूज़ किया वो चीज़ को मेंटेन करने के लिए, कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है उसको खराब नहीं होगा। आई हैव समवन इन द ऑडियंस कॉल्ड मनोशी सिन्हा, जो कि ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाती हैं एंड देखती हैं कि कितनी खराब हालत है वो साइट्स की इस टाइम पे, कि वहाँ पे कोई एक मेंटेनेंस नहीं होता, दूसरा जहाँ पे मेंटेनेंस होता भी है वो ऑलरेडी पत्थर टूटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अजंता अलोरा में ऐसा नहीं होता है, पत्थर इंटैक्ट के इंटैक्ट है, वहाँ पे कुछ नहीं निकलता है। एंड इसका डेफिनेटली एक कारण है कैनबिस, बिकॉज उसकी जो लेयर है, आज की तारीख में आयरलैंड जैसी जगह पे मार्क्स एंड स्पेंसर ने अपना सबसे बड़ा दुनिया का शोरूम 100% हेम्प से बनाया है, और ऐसी लेयरिंग के साथ जहाँ पे कितनी भी बर्फ गिर जाए, आग लग जाए, कुछ नहीं होगा उसको। तो भाई हमारे पास तो अजंता अलोरा के टाइम से ही हमें पता था कि ये क्या है क्या नहीं है। अब अगर हम एडिक्शन प्रॉब्लम इन जनरल लें, आज की तारीख में आप कोई भी नंबर स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, आपको पता चलेगा कि अल्कोहल एडिक्शन, फूड एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इज मच मोर बिगर एन एक्चुअल गेटवे, कि वो सारी चीज़ें जब आप चालू करते हो तो आप दूसरी तरफ के बीच जाते हो। यहाँ की उल्टी रिसर्च हुई है गांजे पे, जिन लोगों ने दारू या फिर आपके ड्रग्स जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, या फिर आपके कई चीज़ें होती हैं जो कि इंसानी बिहेवियर से रिलेटेड नहीं होती हैं, वो नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को कैनबिस दिया गया है और उनके सजेस्ट करते हैं रिपोर्ट कि वो इंसानियत की तरफ वापस आ गए। व्हेन आई से दिस, दे आर बैक टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, आई लिटरली मीन दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट लुनेटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट साइको पीपल हु आर गिवन द सेम डोजेजेस इन प्रिजन और हॉस्पिटल अंडर रिसर्चेस एंड देयर साइकी हैज़ चेंज्ड। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं, सालों साल चीज़ें होती हैं तब पता चलता है। लेकिन फिर वही बात कि हमारे आयुर्वेदा में तो सब कुछ लिखा था, ये जो आज की तारीख में प्रूफ कर रहे हैं वो तो हमारे आयुर्वेदा ने कब की तारीख में प्रूफ कर दिया था। वो बात कि कब की तारीख में प्रूफ किया था, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब तक आप उसका एक्सट्रैक्शन अलग नहीं करते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इस बीमारी में काम करेगा, ये उस बीमारी में काम करेगा, ये उस बीमारी में काम करेगा। उनको ये एक्सट्रैक्शन को डिवाइड करने में भी इनको पता था कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे हम CBD निकालेंगे, CBC निकालेंगे, CBE निकालेंगे, ये 400 कॉम्पोनेंट्स थे। आज की तारीख में कैनबिस जो है या गांजा जो है वो कई जगह पे इंडिया में लीगल है। मैं बताना चाहूँगी, जहाँ जहाँ पे आपके ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ वहाँ पे गांजे के बिना तो पूजा नहीं होती,
उत्तराखंड आपका हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया, उड़ीसा भी ओपनली, और आंध्र प्रदेश, आप अंडर रिलीजियस सेक्रमेंट विच इज अ सिविल राइट, आप किसी को नहीं रोक सकते उनकी पूजा करने से, अंडर दैट ये स्टेट्स में लीगल हुआ है। अंडर मेडिसिनल यूज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस वक्त खाली 3 स्टेट्स में लीगल है, जो कल्टिवेशन लास्ट 4 साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको फास्ट फॉरवर्ड करें और स्टेट्स में लेके जाएं। इसी कारणवश हम श्रीजन फाउंडेशन की ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, एंड आई एम रियली ऑनर्ड फॉर गिविंग अस दिस पोडियम, क्योंकि ये एक सेंट्रल पोडियम हो जाता है एक थिंकिंग वाले लोगों के जुड़ने का। आपको ये समझना पड़ेगा, बाय एजुकेशन आई एम एन इंडोलॉजिस्ट, आप में से कई लोग जानते होंगे इंडोलॉजी क्या होती है। मेरे लिए गांजा बहुत छोटी चीज है उस इंडोलॉजी में। इसका एक और प्रूफ है खाली मेरी इंडोलॉजी के लिए कि कल जो हमारा इन लोगों ने बर्बाद किया था, जो पास्ट था, उसमें एक और चीज थी। आज अपना 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 बोल रहे, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खोल लिए उन्होंने, हमारी मेन मेडिसिन को निकाल के वहां से। सो दिस वॉज द पार्ट वेर इन यू नो द साइंटिफिक बेसिस इज अवेलेबल। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन मेडिकल लिटरेचर में कई सारी बीमारियां हैं। माइग्रेन, आप में से कुछ तो होंगे माइग्रेन के पेशेंट, क्योंकि हर जगह कम से कम, हाँ देखिए 2-3 निकल आए, मैं खुद भी हुआ करती थी। 4 साल पहले तक मुझे भी माइग्रेन था, फिर मैंने आयुर्वेदा पढ़ लिया। ये एड कितना अच्छा होगा ना कि आयुर्वेदा के बारे में आप जैसे ही पढ़ लेंगे आप अपना सेल्फ इलाज करने लगेंगे। और आयुर्वेदा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलते हैं उसमें बताया जाता है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से जितना आप पढ़ लेंगे, कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, तत्व अलग होते हैं, गुण अलग होते हैं, उतना तक अगर आप पहुंच जाए तो आप अपने खुद के हर्ब्स निकालने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एवोल्यूशन। ये चीजें सिखाई जाती थी हमारे गुरुकुल में। और हर्ब्स को कैसे यूज करते हैं, अगर आप पहाड़ पे जाएंगे 10-10 साल के बच्चे होते हैं, इतने वो आपको बता देंगे, अच्छा चोट लगे ये झाड़ निकालो, इसको घिस लो, अच्छा यहाँ पे खुजली हो रही है ये झाड़ निकालो, इसको घिस लो, ये पानी पी लो, यहाँ से आप इसका फल खा लो। ये सारी चीजें पास ऑन होती हैं वर्बली, लेकिन हमारे पास खाली वर्बली पास्ट ऑन नहीं है, वो सेम प्लांट्स हैं, वो जो बोलते हैं, जो हमारे आयुर्वेदा में भी लिखे हैं। एंड आजकल जाके साइंटिफिक बेसिस मिल गई है टिटनेस के बारे में, सारे कैंसर्स के बारे में, आयुर्वेदा में जो जो चीज़ें लिखी हैं 90% साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने ये मुहिम नहीं निकाली अभी तक कि वो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिफिक रिसर्चर्स को इकट्ठा या एकाग्रित करें। रीजन फाउंडेशन ने बहुत काम किया है कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में एक करें। हमारी ये छोटी सी मुहिम है कैनबिस से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर्स हैं, हम खुद तो ढूंढे ही और गवर्नमेंट के साथ फ्री ट्रांसपेरेंट शेयर करें। हमने 4 साल में जितना भी सीखा है, जाना है, हमारे पास मेडिकल बोर्ड में हार्वर्ड के डॉक्टर्स हैं, इंडियन डॉक्टर डॉक्टर उमा धनबालन हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी डॉक्टर हैं। उनकी माँ को खुद को कैंसर था। आज की तारीख में वो विदेश घूम रही हैं और वो चाहती हैं कि वो इंडिया आके अपने देश को सर्व करें। उन्होंने लेकिन वो 45 पूरे दुनिया में 45 डॉक्टरों में वो एक ऐसी डॉक्टर, मतलब खाली 45 डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में जो कैनबिनॉइड एसोसिएशन फाउंडेशन से अफिलिएटेड है। अब वो खाली एक ही इंडियन है पूरी दुनिया में जिसके पास ऐसा टैग है, लेकिन वो भी इंडिया आके अपने आप को नहीं कोशिश कर पा रही है कि वो सेवा करें हमारे भारत की। किस वजह से? क्योंकि कल को अगर मैं आपसे किसी से भी जाके बाहर मिलती और मैं बोलती कि मैं गांजा शोध करता हूँ या मैंने गांजे से मेरा इलाज किया है, आप हंस देते। एंड दैट्स अ फैक्ट। इफ 4-5 ईयर्स बैक समवन वुड हैव टोल्ड मी एज वेल कि गांजा इलाज करता है, शायद मैं हंस देती। लेकिन हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि हमें सब नहीं पता, इसीलिए एक ओपन माइंड रखना बहुत जरूरी है। और टीचिंग जो है वो कहीं से भी आ सकती है, किसी के रूप में भी आ सकती है, चाहे वो आपके महाराज जी जो खाना बना रहे हो, चाहे वो जो घर पे आपके साफ सफाई करने आ रहे हो वो आए। अगर आपने उसमें से लेसन ले लिया, मेरी तो दोस्त थी बेचारी, उसको स्टोनर्स बोलते होंगे ना लोग जो गलत चीज में, अगर उस दिन उसने ना बोला होता कि मर तो वैसे भी रही हो और मुझे वो नहीं दी होती चीज, तो ऑनेस्टली मैं मर डेफिनेटली जाती, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैड डिसाइडेड। आई डिडंट वांटेड टू गो थ्रू एन ऑपरेशन। सर्जरी का मतलब है आप खुल गए, आपको भगवान ने ऐसे नहीं भेजा था, आपको खोल दिया गया, तो फिर क्या होगा आपके साथ उसके आगे। हम एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं इसको लेके, एंड हमारा बेसिस है कैनबिस इन इंडिया, हमारा बेसिस है वो हर एक सिद्धा डॉक्टर। और सिद्धा और आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम आपकी बॉडी से काम करता है, बॉडी पे काम करता है एंड फिर आपके स्पिरिट वर्ल्ड पे जाता है। सिद्धा मेडिसिन सिस्टम पहले आपकी एथर बॉडी पे ट्रीट करता है और फिर आपकी इनर बॉडी पे जाता है। गांजा एक ऐसा प्लांट है जो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे ना ठप हो जाए हमारा मेडिकल सिस्टम भी सर।